अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिज़ान बैंक में न्यू सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने जस्ट वहां से जाके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, इसमें जो करंट जॉब्स ओपनिंग है वो आपके सामने है, सीनियर डिज़ाइनर, रिलेशनशिप ऑफिसर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और बिग डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर और ADC एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है दोस्तों, तो आपने जिस पोस्ट पे अप्लाई करना है तो जस्ट आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जिस तरह से इधर मैं एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सारा का सारा आपके सामने आ जाएगा। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए आपकी, और एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 से 3 साल का। और आपके सामने ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं, और इसमें जो आपको नॉलेज होना चाहिए, स्किल होने चाहिए, वो भी आपके सामने है। ठीक है, तो आप डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लोकेशन है इसकी जो हेड ऑफिस है वो कराची है। और इसके अलावा आप अपने किसी भी इस आप अपने शहर की ब्रांच में आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपकी अगर सीट अवेलेबल हुई तो उसमें आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। तो आप इसमें अप्लाई करने का जो भी तरीक़ाकार है, आपने जस्ट अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, और इसके आगे जो जो चीज़ें वो पूछेंगे वो आपने फिल कर देनी है। तो आपने इधर से इसकी जो भी एलिजिबिलिटी है, एक्सपीरियंस, जो भी क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है, तो आपने सारा का सारा इसमें से देख लेना है। अगर आप इस पर पूरे उतरते हैं तो आपने जस्ट आगे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें ये आपसे आपकी डिटेल्स पूछेंगे। और आपने एक CV बना के रखनी है PDF फाइल में, जिसमें आप अपना सारा एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन और उसमें जितने जितने नंबर लिए हैं वो सारे के सारे आपने उसमें इंटर कर देने, अपना एड्रेस वगैरह जो भी सारा का सारा उसमें डाटा कर देना। ठीक है, तो आपने इधर जस्ट अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस दे देना है, सिटी बता देना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना कंटेक्ट नंबर दे देना है, और इसके अलावा अगर आप दूसरा नंबर भी देना चाहते हैं तो वो भी आप इधर से दे सकते हैं। तो आपके सामने ये जो रेड स्टार बना हुआ है जिनके ऊपर, यहाँ पे आपने ये चीज़ें लाजमी से फिल करनी है, और जिनके ऊपर नहीं बना हुआ तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। और आपने इधर अपनी CV अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक कर देना है, और आगे जो पेज आएगा आपके सामने तो उसमें आपने जो जो चीज़ें वो पूछेंगे आपने जस्ट फिल कर देनी है। उसके बाद आपकी इसमें अप्लाई हो जाएगी, और आपको शॉर्टलिस्टेड होने के बाद अगर आप उसमें मेरिट पे पूरे उतरते हैं तो आपको कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, तो आप उसमें आराम से नौकरी के हकदार बन सकते हैं। और इसमें आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो 25 से 30 हज़ार के करीब करीब होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।